एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गा सृश्रन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या तप दान शील गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। नमस्कार, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूं और आज का सवाल जो मेरे पिछले लाइव सेशन में एक बच्चे द्वारा पूछा गया था कि संस्कृत भाषा हमें क्यों पढ़ाई जाती है। दोस्तों, जानकारी हासिल करना मनुष्य का जन्म से ही स्वभाव रहा है। यही कारण है कि आज हमारे सामने इतने आविष्कार हो चुके हैं कि हमारा जीवन बहुत सरलता से निकल रहा है। लेकिन किसी भी कार्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है भाषा। बिना भाषा के हम अपना विचार दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। आज दुनिया भर में लगभग 6,900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन भाषाओं की जननी कौन है? आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं। इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत भाषा है दोस्तों। ये संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जननी रही है और 3,000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था जो संस्कृत में था। इसका नाम अष्टाध्यायी था दोस्तों। दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भाषा भी संस्कृत ही है। हमारे बहुत से अध्यात्म के अभिलेख आज भी संस्कृत में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। ये इसलिए भी पढ़ाया जाता है दोस्तों कि संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित विज्ञान व अन्य भाषाओं को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, अपितु संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। इसीलिए आज ये संस्कृत विदेशों के एजुकेशन सिस्टम का भी हिस्सा बनी हुई है। मैं आशा करता हूँ ये जवाब आपको सहायता करेगा। आपका कोई और सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक आपके सवाल का जवाब पहुंचे। आप इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक अपने संस्कृत भाषा की कार्यात्मकता पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।